वाराणसी में मोहम्मद साहब की पैदाइश का दिन बारा वफात मुस्लिम इलाकों में शनिवार को धूमधाम से मनाया जा रहा है। बनारस के मुस्लिम बाहुल इलाकों मदनपुरा, रेवड़ी तालाब, बजरडीहा, पीली कोठी, बेनियाबाग, नई सड़क से रसूल की आमद का जुलूस निकाला गया। शहर की नई सड़क इलाके से निकले जुलूस का मुख्य आकर्षण रहा भारत की शान तिरंगा झंडा, जिससे पूरे मुल्क को ये पैगाम दिया गया कि जो मुसलमान भारत में रहते हैं वो अपने मुल्क के लिए वैसा ही सोचते हैं जैसा कोई और मजहब वाला। तमाम देश एवं प्रदेश वासियों को दिल की गहराइयों से 12 रबी अव्वल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौमे पैदाइश पे दिल की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आज हम लोग यहाँ पे तमाम बनारस के हर कोने कोने से, गली मोहल्ले से आए हुए जुलूस को अपने साथ लोगों को तबरुक तकसीम करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है कि मुल्क में अमनो अमान कायम रहे, हिंदुस्तान में गंगा जमुना तहजीब कायम रहे। वाराणसी के लोगों ने बारा वफात के जुलूस में तिरंगे का गौरव बढ़ाकर एक नई मिसाल पेश की है। अब देखना है कि देश को जातियों में बांटने वाले नेता इस पैगाम से क्या सबक लेते हैं, क्योंकि वाराणसी के लोगों ने तिरंगा और इस्लामिक झंडे को एक साथ उठाकर ये साबित कर दिया है कि वो एक सच्चे मुसलमान हैं। न्यूज़ के लिए वाराणसी से श्याम सुंदर मिश्रा की रिपोर्ट।